हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए IRCTC का शेयर। देखिए आज बहुत ही जबरदस्त, मैं कहूँगा, रिजल्ट देखने को मिला है। डिविडेंड डिक्लेयर किया है, सबसे अच्छी बात है। उसके रिकॉर्ड डेट कब है वो जानेंगे अभी रिजल्ट के साइड में। और साथ में प्रॉफिट ने चौंका दिया भाई, एक्सपेक्टेशन तो थी ही नहीं इतनी। लेकिन कल की डेट यानी कि 11 फरवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था, जब बड़ी गिरावट आई थी, तब मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि भाई ये माल है असली, लंबे टाइम वाला, इसको भर लो, क्योंकि ये अभी कोई बड़ा प्लेयर खरीदना चाहता है और वो बुक सेल कर रहा है, क्योंकि वो ताकि आप भी सेल करो और वो खरीद पाए। और ऐसा ही कुछ हुआ। आज की डेट में स्टॉक ने थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आज अब अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कल अगर आप इस शेयर को देखोगे थोड़ा सा सस्ते में मिले तो आप कहोगे और बटोर लो भाई, और बटोर लो भाई। ऐसा कैसा रिजल्ट है, जानते हैं रिजल्ट को तसल्ली से क्या क्या हुआ इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां बिल्कुल मुफ्त मिलती है इंफॉर्मेशन और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको शेयर मार्केट के बारे में, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे रिजल्ट हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई IRCTC का शेयर। सबसे पहले देखिए IRCTC, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखिए IRCTC की अगर मैं बात करूं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। सबको पता है इसकी मोनोपोली है। आज की डेट सबसे पहले मैं देखता हूं, देखिए मात्र 20 रुपए का उछाल देखने को मिला। इस स्टॉक ने अभी 1350 का लो बनाया था, आपको यकीन नहीं होगा। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने इस शेयर को उठा जरूर लिया होगा। तब मैंने कहा था कि भाई जब जब मौका मिले भरते रहो, जब जब मौका मिले भरते रहो। लेकिन अभी और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो करेक्शन आ सकता है, तो भाई मौके का फायदा उठाते रहना इस स्टॉक में, बाद में मौका मिलेगा नहीं। रिजल्ट आया अभी 7 बजे, रिजल्ट देखिए तसल्ली से, रिजल्ट 7 बजे आया है। और इस रिजल्ट की जो उम्मीद थी वैसे ही रिजल्ट आया है, और उससे अच्छा कहूंगा मैं रिजल्ट आया है। अब बाकी लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा रिजल्ट। 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, सबसे अच्छी बात पहली है। और ये डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 25 फरवरी की रखी गई है। मान लीजिए कि आपको टाइम पे, किस टाइम पे, उस टाइम पे 40 शेयर अगर आपको IPO में मिले होंगे तो भाई 400 रुपये आपके किसके हो गए, डिविडेंड के हो गए, अपनी जेब में सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। चलिए वो तो सब ठीक है। अब रिजल्ट जो आया 7 बजे आया, तो मार्केट क्लोज हो चुकी थी तब तक, नहीं तो आज ही धड़ल्ले से शेयर 10% और बढ़ गया होता। अब जरा रिजल्ट को बारीकी से देखिए, ये बारीकी से एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। देखिए कितना कैसा स्कैंड कॉपी अपलोड कर रखा है इन्होंने, ऐसा स्कैंड कॉपी शेयर कर रखा है भाई, अपनी टिकट जैसे तुम IRCTC की टिकट देते हो, इसको भी अच्छे से छाप लेते। अब टोटल इनकम से स्टार्ट करता हूं मैं, ये सारे नंबर जो है हमारे पास लाख में है, हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताएंगे। तो 735 करोड़ का टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिला है 31/12/2019। IRCTC का शेयर है, हर कोई इंतजार कर रहा था। लेकिन अगर आप पिछले साल देखोगे तो ये 453-454 करोड़ का था। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 400 से सीधे 700 जाना, मतलब 300 करोड़ से के आसपास का, 280-300 करोड़ के आसपास का जंप, जो कि मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा नंबर, बहुत ही इंप्रेसिव मैं कहूंगा। अब आपको कैसा लगा वो आप बताओगे कमेंट के थ्रू। लेकिन यही मैं बात करूं, एक्सपेंसिस में भी थोड़ा सा जंप जरूर आया है, 341 करोड़ से 464 करोड़ के आसपास ये भी गया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं मैं तो 112 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि देखिए भाई मार्केट में आने के बाद, लिस्ट होने के बाद इसका पहला ये रिजल्ट है, क्योंकि अक्टूबर के टाइम फ्रेम में मार्केट में लिस्ट हुआ था, ये पहला रिजल्ट है। तो 112 करोड़ का प्रॉफिट जो कि 270 करोड़ का हुआ है। एक्सपेक्टेशन मेरी तो ये थी कि भैया ट्रेन डिले हुई है, क्या पता कैंसिलेशन होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, प्रॉफिट आप देखिए 112 करोड़, ये बिफोर टैक्स की बात हो रही है, 270 करोड़, ये प्रॉफिट डबल से भी ऊपर मुझे देखने को मिल रहा है। अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिए भाई, अगर देखिए किस तरीके से, और पिछले अगर सितंबर की बात करें तो 154 करोड़ का नंबर था, तो भाई नंबर इंप्रेसिव है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अब ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं देखूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो मुझे देखने को मिल रही है प्रॉफिट, वो मुझे देखने को मिल रहा है 205 करोड़ का। क्या आप भी देख पा रहे हो ये 205 करोड़ का, क्या आपको ये चौंकाने वाला नंबर नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा नंबर लगा। पिछले यानी कि सितंबर की मैं बात करूँ, अभी तो ये 100 करोड़ के आसपास का था, सितंबर के कंपैरिजन में भी डबल हो गया। और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर दिसंबर में, तो वो 73-74 करोड़ का था। अब मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तो भाई एक ही प्राइवेट ट्रेन चली है, बाकी एक दो और चलने लगी है, लेकिन इस रिजल्ट तक तो एक ही थी आपकी, तेजस एक्सप्रेस। अब ये प्राइवेट ट्रेन बढ़ेंगी तो ये नंबर क्या बढ़ेगा नहीं?
अब कल की डेट में आप देखना है स्टॉक में, अब देखिए जंप तो करना चाहिए, अब लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे जैसा जैसा शेयर, देखिए शेयर अगर कोई बड़ा प्लेयर जब शेयर को बेचता है ना, तो भाई नीचे से माल उठाने वाले बहुत लगे होते हैं, जरा इस चीज को ध्यान रखें। और कल मैं यही बात आपको बता रहा था कि किसी ने शेयर बेचे हैं डराने के चक्कर में रिजल्ट से पहले, ताकि लोग भी बेचे फिर हम नीचे से खरीदें। अब देखिए कल की डेट में किस तरीके से बाउंस बैक होता है शेयर में। फिलहाल अर्निंग पर शेयर जो 4 रुपए का था, वो अर्निंग पर शेयर 12 रुपए के आसपास हो चुका है, मतलब 4 से 12, 4 तिया आप देख लीजिए 70 रुपए का, 70-73 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 205 करोड़ हो गया। तो ये देखे ही देखो ही मिलेगा नंबर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ IRCTC की डिटेल में। देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया शेयर है। और सरकार ने तो यहाँ पे जब IPO आया था तो लोगों को धमकाया था, भाई क्या कर दिया ये तुमने, हमारा इतना बढ़िया शेयर तुमने इतनी सस्ती प्राइसिंग पे निकाल दिया है, क्योंकि 310 बहुत सस्ता था और उस टाइम पे ऐसा माना जा रहा था कि ये प्राइस कम से कम 500-600 तो होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 1500 पहुंच गया है। तो आप देखिए, और दूसरी चीज 10 रुपये का डिविडेंड है जिसकी 25 फरवरी की रिकॉर्ड डेट है, इस बात को ध्यान रखें और आपको मिल जाएगा डिविडेंड सीधे अकाउंट में। अब जानते हैं टेक्निकल पे, टेक्निकल की बात मैं आपको बताता हूं फिर से। जब ये कल शेयर गिरा था, आप वीडियो देख सकते हो क्लियर कट कल का, कल ही मैंने IRCTC के ऊपर वीडियो अपलोड किया था कि भाई रिजल्ट है जरा ध्यान रखें, और स्टॉक और आज की सुबह सुबह ये स्टॉक और नीचे गिरा। मैं कहता हूँ वो भाई वो वैल्यूएबल वो बंदा जिसने ये आज शेयर खरीदा होगा सुबह सुबह, देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने उठा माल उठा ही लिया होगा। लेकिन अब स्टॉक में पॉजिटिविटी रिजल्ट ये जो आप देख पा रहे हो लास्ट आवर में कितना बड़ा डराने की कोशिश की गई, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई किसी बड़े प्लेयर ने। अगर आप देखो कि स्टॉक नीचे गया, लेकिन अगर आप सेलिंग का वॉल्यूम देखो तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन एकदम किसी ने यहाँ पे सेलिंग करी और सेलिंग करते करते शेयर काफ़ी नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद कल तो भाई आप देखिए उम्मीद तो यही करेंगे कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। गैप अप ओपनिंग के साथ साथ अब स्टॉक को देख लीजिए, अब ये मंथली चार्ट इसका है, ये मंथ भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहला महीना बिल्कुल 300 से सीधे पहले महीने में 900 तक जाता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, फिर जंप आती है, फिर और जंप आता है। इस टाइम फ्रेम में ये 2 महीने के अंदर यानी कि दिसंबर और जनवरी, नवंबर और दिसंबर के अंदर किसी ने अगर एंट्री मारी होगी तो भाई वही बचा होगा जो 900-800 रुपये पे खरीदा होगा। और कई बार मैं तो वही वीडियो में बार बार बताया करता था कि भाई ये मौका आ चुका है, मौका मत छोड़ना, इस लेवल को पार करेगा। और मेरा जो मेजर लेवल था जो पार करने का था वो ये था 980 का लेवल, अगर पार कर ले फिर अगली रैली की स्टार्टिंग होगी। और स्टॉक ने तो देखिए अगली रैली कहाँ दिखाई है भैया, 900 से सीधे 1500 गया है। अब 1500 से, और एक टाइम पहले कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 2000 का लेवल बहुत इजीली ये पार करेगा, बहुत कम टाइम में पार करेगा, लेकिन मैं तो सोच रहा था 6 महीने में पार करेगा, और मुझे लगता नहीं 6 महीने, 6 महीने तो बहुत कम है, ये स्टॉक बहुत जल्दी पार करने वाला। आप ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो ये 6 फरवरी से हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, और आज की डेट में देखूं जो 12 फरवरी को मुझे ये अपनी ज्वाइंट कैंडल बनती हुई दिख रही है। कल की डेट में अगर ये स्टॉक यहाँ पे 1540 के लेवल को, 1550 के लेवल को पार करता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये सारी करेक्शन पूरी की पूरी रिजॉल्व हो जाएगी और ख़त्म। और मेरा तो मानना है बल्कि अगर सुबह सुबह आपको ये 1400-1500 के लेवल को ही पार करता हुआ दिखे तो आपकी, क्योंकि कल की डेट में ज्वाइंट कैंडल फिर ये लेवल 1 का ज्वाइंट कैंडल बन जाएगा, ऊपर जाएगा भाई स्टॉक। अब भाई ये चीज़ देखनी, बिल्कुल लेवल 1 का ज्वाइंट बनते ही स्टॉक ने ऊपर जाना ही है, रिजल्ट आपने ऑलरेडी देख ही लिया है, और बाकी आपको कैसा रिजल्ट लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को रेगुलर IRCTC के बारे में कमेंट के थ्रू बताते रहते हैं, जब मैं IRCTC का वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आते रहते हैं और कमेंट देते रहते हैं। तो फिलहाल इस रिजल्ट को देख के आपको कैसा लगा, अगर आपने 300 रुपये से शेयर को, 310 रुपये से शेयर को होल्ड किया हुआ है तो आपको खुशी ज़रूर हो रही होगी, और तो खुशी आपको ऑलरेडी वैसे ही हो रही होगी क्योंकि आपका स्टॉक ऑलरेडी आपको 5 गुना पैसा दे चुका है अगर आपके पास एक लॉट। और बहुत सारे मैं मतलब जिन लोगों ने इसको पहचाना, वैल्यू इसको इसकी समझी, उनको अगर IPO में नहीं मिला ना तो उन्होंने 670 680 के लेवल पे भी खरीदा है, मैं तो उनसे भी कहूँगा क्या अमेजिंग। और बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने 900 अभी 1100 1200 बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि बस सर हमने तो जब से आपने वीडियो बनाया कि 2000 का लेवल पार करेगा ये, हमने तो 1000 रुपये में 1100 रुपये में खरीदा है ये शेयर। अब आप देख लीजिए भाई 1000 रुपये का शेयर आपको कुछ ही टाइम में 500 रुपये पर शेयर की कमाई करके दे चुका है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, शुरू हुई है अभी। तो फिर से मैं कहूँगा रिजल्ट बहुत बढ़िया मुझे देखने को मिला है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ को इम्प्रेसिव नंबर है। 73 करोड़ का प्रॉफिट इस बार, 205 करोड़ का है, 10 रुपये का डिविडेंड है जिसकी रिकॉर्डेड 25 फरवरी की है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए IRCTC से,
जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरा उतरा है उम्मीद। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है टाइम टू टाइम पे, तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें उसको, क्योंकि ये मोनोपोली है। इस चीज़ को अपने दिमाग में सोच ले, ये मोनोपोली है, इस सेक्टर में कोई दूसरा प्लेयर नहीं है जो इसका काम करेगा। नो कॉम्पिटिशन इन दिस फॉर दिस शेयर इन दिस इंडस्ट्री, मैं कहूंगा। और प्राइवेट ट्रेन चलने वाली हैं, 150 है उनका नंबर, इस चीज़ को भी ध्यान रखें अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रुक रहे हो तो। चलिए वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।